तो जब आप कॉमन मिस्टेक्स के आंसर लिखते हैं हाउ नॉट टू राइट दो आंसर इन दोंग दोस्टेक्स दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है सो प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑलरेडी हाउ टू राइट आंसर पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ हाउ टू राइट एथिक्स आंसर हाउ टू राइट एथिक्स की केस स्टडीज इसपे मैं वीडियो बना चुकी हूँ आप राइटिंग स्ट्रेटेजी प्ले लिस्ट में जाके वो भी चेक कीजिए और उसके बाद हाउ नॉट टू राइट भी देखना बहुत जरूरी है क्या गलतियां कॉमनली वीमेक वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे So, सबसे पहली गलती हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही करते हैं सबसे पहला पार्ट हमारे आंसर का इंट्रोडक्शन ही होता है एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक सबसे पहली मिस्टेक दैट वी डू इज मेकिंग इट वेरी वेरी लॉन्ग अगर आप एक इतना बड़ा पैराग्राफ लिख देंगे एक पेज का डेढ़ पेज

तो अगर हो सके तो आप उस क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में क्लैरिफाई या डिफाइन करने की कोशिश कीजिए उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं जीएस वन जी एस टू जी एस थ्री उससे रेलिवेंट जो है आप अपनी इंट्रोडक्शन लिखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर्स लिख रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट और इट इज यूजफुल ऑल्सो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या जजमेंट से अपने पॉलिटी के आंसर स्टार्ट कीजिए अगर आप हिस्ट्री के आंसर्स लिख रहे हैं तो टाइमलाइन टाइप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस इवेंट का जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे आप आंसर स्टार्ट कीजिए तो ऐसे रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट अगर इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स उसके बाद करना, या ये सब ways हैं अ गुड मैनर ठीक है सिंपल डल सी इंट्रोडक्शंस देना वोंट फेच यू दैट मेनी मार्क्स सो इन गाइडलाइंस को यूज कीजिए टू इंप्रूव योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द आंसर इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जैसे इस आंसर में देखिए आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी गई है इसमें भी देर इज नो इंट्रोडक्शन इन द आंसर सो दीज टाइप ऑफ यू नो आंसर्स आर नॉट अप्रिशिएटेड एज मच मतलब कम मार्क्स मिलेंगे एक दो तो मार्क्स की फाइट होती है एक एक मार्क हर क्वेश्चन में ट्वेंटी मार्क्स पर पेपर एंड यू आर यू नो हंड्रेड मार्क्स अवे अगर आप एटी मार्क्स अवे अगर चार पेपर्स का आप डिस्कस करें सिर्फ जीएस का तो इसीलिए आपको ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है उसके बाद ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन है समथिंग अबाउट सोशलाइजिंग एजेंट्स फैमिली जो होती है तो जो इंट्रोडक्शन है आपको इंप्रेसिव बनानी है स्टार्ट फ्रॉम द ऑफ दोशलाइजेशन सोशलाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं तो डायग्रामेटिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं जैसे कि एजेंट्स uh, हमारे होते हैं फैमिली मीडिया यू नो स्कूल्स टीचर्स पियर्स ऐसे आप एक डायग्राम बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अ बोरिंग इंट्रोडक्शन ठीक है तो इस तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन को मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए आप जैसे रिजर्वेशन पे क्वेश्चन है तो इट्स बेटर दैट यू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल्स आप यूज कीजिए पंद्रह सोलह या जो भी रेलिवेंट आर्टिकल है वो यहाँ पे यूज करने की कोशिश कीजिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये एथिक्स का क्वेश्चन है एनालाइज एथिकल डायमेंशन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर डेट्रेंस

नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे अगेन कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एग्जामिनर जो है और कुछ देखे ना देखे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो जरूर देखेगा और कंक्लूजन के बाद स्पेशली वो आपको मार्क्स देने वाला है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंक्लूजन भी आपकी इंप्रेसिव हो तो नॉट राइटिंग अ कंक्लूजन इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी दैट इज द कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक मेक इट कॉन्साइज ऑल्सो बहुत बड़ा पैराग्राफ अगैन कंक्लूजन में नहीं देना है थर्टी फोर्टी फिफ्टी वर्ड्स मैक्सिमम आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज़ करेंगे कंक्लूजन आप लिख कह सकते हैं आप समराइज़ कीजिए अपने आंसर को ये कर सकते हैं या वे फॉरवर्ड बता दीजिए अगर कोई इशू चल रहा है जैसे कि वॉटर स्ट्रेस पर अगर क्वेश्चन आया तो कंक्लूजन में आप इनोवेटिव वे फॉरवर्ड्स दे सकते हैं केस स्टडीज दे सकते हैं क्रिस्प ऐसे पूरी एक केस स्टडी एक्सप्लेन नहीं करनी है जस्ट रेफरेंस आप यू नो एक डेड लाइन में आप बना के रखिए हर के स्टडी का रेलिवेंस वो आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में और फाइनली आपकी कंक्लूजन जो है ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए देखिए प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है हर कंट्री के पास होती है बट वॉट वी नीड इज प्रॉब्लम सोल्वर्स जो आपका यूपीएससी चाहता है कि ऐसे यंग पीपल आए सर्विस में हु कैन सोल्व दीज इशूज दैट इंडिया इज फेसिंग वी वाय कि प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स है बट वी नीड यू नो सम होप कि ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं तो अपनी होपलेसनेस मत दिखाइए आंसर्स में कंक्लूजन में स्पेसिफिकली शो होप एंड शो दैट द प्रॉब्लम्स आर देयर बट दे कैन बी सॉल्व इन दिस इज दिस दिस वे सो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड इन अ बेटर वे तो इसके लिए जैसे आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं लिखी है मार्क्स इसके लिए डिडक्ट होंगे तो ऐसे आप कंक्लूजन का कर सकते हैं नेक्स्ट आपकी जो आ जाती है हेडिंग्स इंपॉर्टेंट ऑफ योर बहुत लोग नहीं लिखते हैं इट इज यू नो एडवाइजेबल की आप हेडिंग्स लिखिए आपका क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट जो होती है उसमें मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं बहुत बार तो आप हर बार क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो हर पार्ट की हेडिंग आप क्वेश्चन में से फ्रेजेस यूज करके यू you नो know, बनाए ताकि एग्जामिनर को भी पता चलता रहे कि आपने हर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट या डिस्कस किया है कवर किया है अपने आंसर में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो देखिए कि जैसे सिटीजन चार्टर पे एक क्वेश्चन है इस पे अब मल्टीपल क्वेश्चन होंगे सबसे पहले तो स्टेटमेंट ही दी होती है जैसे मैंने आपको बताया सिटीजन चार्टर मेक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली तो इंट्रोडक्शन में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा Uh, उसके बाद हाउ एवर सिटीजन चार्टर्स हैव फॉलन ये आपका फर्स्ट पार्ट बन गया सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्लीमेंट तो समझ लीजिए इसके दो ब्रॉड पॉइंट है इस क्वेश्चन के तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हेडिंग्स बनाएं दोनों हेडिंग्स में आप फ्रेजेस क्वेश्चन में से यूज कीजिए अब देखिए यहाँ क्या इशू है इन्होंने सारा इसी को आंसर किया है कि सिटीजन चार्टर्स हैव फॉलन बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने कर दिया बट ये हेडिंग अच्छी नहीं है

यू नो एड्रेस डिमांड एड्रेस नहीं होगी उससे क्वेश्चन की देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी इन प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ये क्वेश्चन है इन्होंने हेडिंग क्या बनाई है इंपॉर्टेंस ऑफ प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी पूछा क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी इन प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी तो इससे ही एग्जामिनर मेज थिंक की बंदे ने

कोई भी नहीं पड़ेगा आपके बड़े बड़े पैराग्राफ्स ह्यूमन लिमिट्स होती हैं तो इसे इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर्स को क्रिस्प शॉर्ट कंसाइज और इम्प्रेसिव बनाएं इजी टू रीड फॉर दी नो एग्जामिनर वो सब आपको इंश्योर करना है क्योंकि मार्क्स भी आपको चाहिए एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल पढ़े हैं कितनी प्रिपरेशन की है अगर आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से आंसर्स नहीं लिखेंगे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस अच्छे वे में नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो ट्राई टू मेक बुलेट पॉइंट एज फार एज पॉसिबल पैराग्राफ्स बनाने भी हैं तो छोटे पैराग्राफ्स रखिए ठीक है मल्टीपल डायमेंशन को एड्रेस कीजिए एक जैसे कि हम कहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जोग्राफिक हर एंगल से क्वेश्चन का आंसर सोचने की कोशिश कीजिए और उन सबको आंसर में मैंशन कीजिए एक ही डायमेंशन पे ज्यादा टाइम वेस्ट आई I मीन mean, स्पेस आपके पेज की या एफर्ट अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टू से थ्री लाइंस की आप लिमिट अपने लिए बांध के चलिए हर डायमेंशन को कवर करने के लिए फिर राइटिंग वॉट यू नो एंड नॉट वॉट इज आस्ट दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं स्पेशली यंग एस्पिरेंट्स करते हैं कि जो आपको आता है आप वो बताते रहते हैं जो पूछा है वो नहीं बताते हैं जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आया इन्यूमरेट दॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन डेली तो एक गलत आंसर क्या होगा इसका कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है करंटली वर्ल्ड बैंक का डाटा आया है कि दिल्ली इज वन ऑफ दी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन यू नो वर्ल्ड ठीक है तो इस वजह से लोगों को बहुत इनहेल करने में इशू हो रहा है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ये है वो है वो है बट इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है दैट यू हैव टू एन्यूमरेट दैट मीन लिस्ट डाउन द ऑफ एयर पॉल्यूशन इन डेली तो आप इंट्रोडक्शन में डेटा के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बाद आपको इमिडिएटली यू हैव टू शिफ्ट टू राइटिंग दी कॉजेज और एज मेनी एज कॉजेज आप इसमें जितने लिख सकते हैं मैक्सिमम वो आपको कवर करने हैं क्योंकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कॉजेज तो इसीलिए वो आठ से दस पॉइंट्स अगर आप इसमें लिख सकें तो दैट वुड बी द बेस्ट आंसर एंड कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर सकते हैं कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आप मैंशन कर सकते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले रखे हैं उ यू राइट वट इज आस्ट ये मत लिखिए जो आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में आता है वो सब लिखना शुरू मत कर दीजिए जो क्वेश्चन में पूछा है, causes of air pollution, उसको आपको आंसर में लिखना है अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे ओके okay? अब जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सप्लेन दिग्निफिकेन्स ऑफ फॉलोइंग इन दिविल सर्वेंस तो आपको पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बताना है सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड टू सिविल सर्विस है तो इट्स बेटर कि आप यहाँ ट्रस्ट को पहले थोड़ा कर एक दो लाइन में विद एग्जाम्पल एथिक्स के आंसर में ये आपको करना ही पड़ता है आप मेरी वीडियो जाके चेक कीजिए हाउ टू राइट एथिक्स आंसर उसमें आपको ये डिटेल में पता चलेगा तो पब्लिक ट्रस्ट को आप एक दो लाइन में डिफाइन कर देंगे विद एग्जाम्पल एंड देन यू विल मेक एन हेडिंग दिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स या सिर्फ सिग्निफिकेंस भी लिख लीजिए ठीक है तो मेक इट स्मॉलर यहाँ पे क्योंकि इतनी बैंड आपके पास स्पेस नहीं होगी बहुत बड़ा आंसर लिखना है टेन मार्क्स के लिए तो उसमें आप दो से तीन पॉइंट्स लिखिए बिकॉज मल्टीपल पार्ट्स हैं तो आप अपने पॉइंट्स लिमिट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप पब्लिक ट्रस्ट का सिग्निफिकेंस लिखने के लिए उसमें लिखिए ऐसे आंसर लिखेंगे तो क्लैरिटी कम है ठीक है तो इसीलिए मार्क्स मिलने की जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आंसर लिखते समय ध्यान रखना है और जो गलती आपको नहीं करनी है वो है कि नॉट एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूपीएससी जब क्वेश्चन देता है तो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के मोस्टली एक चीज कभी भी एक क्वेश्चन में नहीं पूछता है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर पार्ट को आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन को ब्रेक करें और हर पार्ट को अपने आंसर में एड्रेस करें जैसे जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंट में बिकम डेमोग्राफिक लाइबिलिटी इफ नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट स्किल सेट एंड इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड नॉन टू शुड

भी नहीं है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को ब्रेक करें और हर पार्ट को एडिक्वेटली जो है एड्रेस कीजिए नेक्स्ट so पॉइंट जो आपको कोशिश करें देखिए वैल्यू ऐड करने के लिए अपने आंसर आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेट देने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करें विद मैप्स या डाटा विद डायग्राम्स इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत रेलिवेंट और यू नो इंप्रेसिव हो जाती है और इससे मार्क्स मिलने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं बट ऐसा नहीं है कि जो चीजें जो मैप्स या डेटा रेलिवेंट नहीं है वो आप आंसर्स में लिखते रहें उससे आपको कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं ओनली दोज मैप्स दोज फिगर्स दोज डायग्राम्स दैट एड वैल्यू या कुछ पॉइंट समझाते हैं आपके क्वेश्चन का वो आपको बनाने हैं तो कुछ रिपोजिटरी आप इनकी पहले से बना के रख सकते हैं एनसीआर में या न्यूज में से आप रोज डेटा टेबल्स या मैप्स देखते हैं तो आप पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंडर ये मैप्स और डेटा टेबल्स पहले से बना के रखें ताकि कि जब आप फाइनली आंसर लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में इजीली रिट्रीव कर पाए प्री प्रेपरेशन ही करनी पड़ती है ऑन द स्पॉट ऐसे कुछ यू नो वाओ टाइप्स नहीं होता एक दो क्वेश्चन में आ जाते हैं आइडियाज बट मोस्टली आपके पास ऑलरेडी जो आपके दिमाग में पड़ा होता है स्टोर्ड होता है वही इंफॉर्मेशन आप यूज करते हैं तो इसीलिए इस चीज की भी रिपोर्टिटरी अपने पास बना के रखें जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे लोअर जुडिशरी पे क्वेश्चन आया हुआ है पर इस क्वेश्चन का आंसर का क्या इश्यू था इसमें कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया गया है तो आप हैरारकी ऑफ कोर्ट्स ऐसे बना के शो कर सकते हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स लिख के आप यहाँ तक इजिली बना सकते हैं दिस इज इजिली अंडरस्टैंडेबल आपकी लक्ष्मीकांत जब भी आप पढ़ते हैं तो ये हायरार्की तो तभी आपके माइंड में एस्टैब्लिश हो जाती है तो इट इज गुड अगर इट इज प्रेफर्ड अगर आप इस आंसर में ऐसी हायरार्की इंक्लूड कर पाते जो कि इन्होंने नहीं किया है तो ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी है ट्राई टू मेक योर आंसर्स मोर इम्प्रेसिव इंप्रेसिव बाय द यूज ऑफ दीस डायग्राम्स एंड यू नो मैप्स एटसेट्रा तो अब नेक्स्ट जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि कंपेयर कंट्रास्ट, डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चंस में अगर हो सके तो आप टेबल बनाने की कोशिश कीजिए जिन भी दो टर्म्स को कंपेयर या कंट्रास्ट या डिफ्रेंशिएट करने की

आर यू लाइंग और या ऐसे ही नंबर्स थ्रो कर रहे हैं सो इट वुड बी हेल्पफुल जहाँ भी हो सके ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप ये करें बट जहाँ भी हो सके मोस्टली आप जब भी कोई डाटा लिखते हैं तो साथ में सोर्स भी लिख लीजिए कि ये जैसे वर्ल्ड बैंक ने ये डेटा दिया है या यूएन की किसी रिपोर्ट में एक्स वाई जेड रिपोर्ट में आप इनईक्वालिटी पे ऑक्सफैम रिपोर्ट ने दिया है ऐसे तो डेटा जब भी लिखते हैं तो साथ में सोर्स भी लिख के रखिए और अपने आंसर में मेंशन भी कीजिए जैसे इस एग्जांपल में इन्होंने लिखा है देर आर वन जीरो थ्री मिलियन एल्डरली पीपल तो इस पे क्वेश्चन रेज होता है कि, कि किसने लिखा है और किसने कहा कि इतनी पॉपुलेशन है टाइप्स ऑफ सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप सोर्स भी लिख लें तो उससे मार्क्स या आपके डेटा को जो है ना वेट मिलता है अगेन जैसे आप डेटा यूज कर रहे हैं आंसर को वेट देने के लिए अब सोर्स यूज करना है डेटा को सपोर्ट करने के लिए तो इसीलिए डेटा सोर्स भी आप अपने पास लिख के रखिए उसके बाद देखिए ंग एस्पिरेंट्स को यही लगता है कि बहुत अच्छी सी इंग्लिश लिखेंगे एंड दे विल गेट वेरी गुड मार्क्स थ्रो करते रहते हैं वो मैंने बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स के आंसर्स देखे हैं तो ऐसे लगता है कि फ्रेजेज और वर्ड्स फैंसी से वो डालते रहते हैं टू गेट मार्क्स बट ऐसा नहीं होता है द रिक्वायर्ड नीड इज दैट कि सिंपल रखें आप आंसर टू द पॉइंट रखें इंग्लिश बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है एग्जामिनर को समझ भी आना चाहिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ल्यूसिड पॉइंट्स में लिखिए आप स्मॉल क्रिस्प इजी वे में यूज कीजिए फैंसी लैंग्वेज डजेंट ब्रिंग यू मोर मार्क्स वो आपको याद रखना है रेलिवेंट आंसर ब्रिंग्स यू द मार्क्स रिक्वायर्ड ठीक है उसके बाद प्रेजेंटेशन भी आपको बहुत अच्छी करनी है एज एज आई सेड कि एग्जामिनर की लाइफ जो है आप थोड़ी इजी कीजिए साफ तरीके से आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए बहुत हॉज पौच नहीं करनी है बहुत कटिंग भी नहीं करनी है हर क्वेश्चन में ट्राई टू अवॉइड और ये हो भी जाता है मैंने भी बहुत आंसर्स लिखे हैं फाइनली ऐसा मतलब हर क्वेश्चन में आप विदाउट कटिंग शटिंग लिख सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है एंड विद टाइम इंप्रूव भी हो, हो जाता है लाइन्स में स्पेस बनाने की कोशिश करते रहिए पेन वैसे यूज करिए जो ब्लीड ना करते हो मतलब वो पीछे छोड़ते रहते हैं कलर वगैरह वो ना हो वैसे पेन आप यूज करने की कोशिश कीजिए so, सो ऐसी प्रेजेंटेशन रिलेटेड मिस्टेक भी आपको कोई नहीं करनी है उसके बाद पेन्स देखिए मल्टीपल पेन्स यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक पेन आप यूज़ कीजिए आपका टेक्स्ट लिखने के लिए डायग्राम्स बनाने के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पेन्स के साथ ही बनाइए बाकी अगर कोई बहुत बड़ा मैप जैसे वर्ल्ड मैप बनाना पड़ जाता है कभी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स की शो करने के लिए वहां आप पेंसिल यूज कर सकते हैं देर इज नो इशू बाकी आप बारी बारी पेन्स मत यूज कीजिए वो कंज्यूम करेगा टाइम यूजलेस होगा टाइम इज प्रीशियस जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं एक एक मिनट भी भारी पड़ता है तो इसीलिए लिए पेन्स का ज़्यादा चक्का

ऑपोजिट व्यू अब देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो क्रिटिकली वुड मीन कि आप उसको काउंटर कीजिए किसी तरीके से ये नहीं है कि क्वेश्चन में जो वर्ल्ड मेंशन है उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दीजिए तो क्रिटिकली को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है इस इसपे आप मेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन टेल वर्ड्स चेक कीजिए जो अभी कुछ दिनों में यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बड़ी से आंसर राइटिंग में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो होप दिस हेल्प्स अगर आपका कोई भी डाउट अनएड्रेस्ड रह गया है तो प्लीज पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग